पीथमपुर के सेक्टर 2 में स्थित कास्ता पाइपलाइन कंपनी में भीषण आग लग गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। आग लगने के बाद फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले श्रमिकों को बाहर निकाला गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। पड़ोस में लगी कंपनियों के कर्मचारियों को भी बाहर निकाला गया। करीब 15 से अधिक दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा और भगदड़ होने से रोका गया। आग बुझाने का प्रयास निरंतर जारी है। वहीं सूत्रों की माने तो करोड़ों रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने से कई किलोमीटर तक धुएं के गुब्बारे आसमान में दिखाई दे रहे हैं। वहीं चौंकाने वाली बात ये रही कि कंपनी में लगा फायर फाइटिंग उपकरण केवल दिखावे मात्र के लिए नजर आया। उपकरण पूर्ण रूप से बंद पड़े हुए हैं। वहीं मौके पर पहुंचे तहसीलदार प्रताप आगस्या ने बताया कि सुबह करीब 11 बजे आग की सूचना मिली है। कई दमकल की गाड़ियां आ चुकी हैं। आग लगने के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। पीथमपुर से अमित अतुलकर की रिपोर्ट। हाँ, ये भी सूचना प्राप्त हुई थी 11 बजे। बुला के तत्काल आग पर पाइप कार्रवाई जारी है और अभी नियंत्रण में स्थिति, लेकिन फिर भी सावधानी के बतौर पाइप हटवाए जा रहे हैं। सर, आग किन कारणों से लगी कुछ पता चल पाया है? कारण सामने नहीं आया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट का बता रहे हैं कि ये जांच।